जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। किस तरीके से, आपने टाइटल देख ही लिया है कि किस तरीके से जो हम जूते चप्पल पहनते हैं वो हमारी किस्मत को बदल सकते हैं या फिर वो ख़राब कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जूते चप्पल हैं उनका कहीं ना कहीं कारक है शनि ग्रह से। शनि क्या है? स्लो मोमेंट है। अगर कुंडली के अंदर शनि ख़राब है या डेबिलेटेड है तो आप हमेशा देखेंगे कि एक तो वो इंसान जो होगा आलसी होगा, नहाने का मन नहीं करेगा उसका, या फिर जूते चप्पल भी जो पहनेगा वो पुराने जूते चप्पल पहनेगा या फटे हुए होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पुराने जूते चप्पल, तो हमारी सबसे पहले नज़र कहाँ पड़ती है? हर इंसान के पाँव के, पहले उसका फेस देखा उसके पाँव के ऊपर, उसने जूते चप्पल कैसे पहने हुए हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इंसान की पर्सनालिटी कैसे है। कहते हैं ना, किसी का अगर आपने घर देखना है तो उसकी लेडी की अगर घर देखना है तो उसकी किचन देख लीजिए या उसका बाथरूम देख लीजिए, तो पता चल जाता है कि ये जो गृहिणी है ये सफाई पसंद है या इसका करैक्टर कैसा है, इस सब चीज़ों से। तो उसी तरीके से जूते भी हमारी किस्मत को बदला भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर शनि खराब है तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जितना आप साफ़ सुथरा रहेंगे, जितने आप कपड़ों की तरफ अपना ध्यान रखेंगे, इसके साथ में अपने जूते चप्पल जो हैं उनको अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो शनि आपको फल देना शुरू कर देगा। ख़राब शनि अगर है या डेबिलेटेड है तो ये बहुत ही प्यारी रेमेडी है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इसके अंदर मैं बताऊँगी कि और कैसे हम अपने शनि को ठीक कर सकते हैं। घर के अंदर कभी भी अगर आप जूते चप्पल जो है इधर उधर बिखरा करके रखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा टेंशन के अंदर ही रहेंगे। मेन एंट्रेंस के ऊपर भी हैं तो एक बहुत सलीके के साथ में रखिए, इससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कितने घरों के अंदर चप्पलें, कोई चप्पल टूट गई है या उसको पहना नहीं, पहन ही नहीं रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप किसी को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके जीवन के अंदर धन संबंधित प्रॉब्लम चल रही है ना, वो धन संबंधित प्रॉब्लम ठीक होने शुरू हो जाएगी। कितने अम्ब्रेलास होते हैं घर के अंदर जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं और किसी के तार निकले हुए, किसी के कुछ हैं, तो वो या तो ठीक करा करके रखिए या फिर किसी को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे जीवन के अंदर उलझने चल रही हैं, जो जो प्रॉब्लम चल रही हैं, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर शनि या तो 7:30 चल रही है या किसी वजह से आप परेशान चल रहे हैं तो शुक्रवार वाले दिन ही आप लेकर के आएंगे, शुक्रवार वाले दिन आप चप्पल लेकर के आएंगे, कोरी चप्पल लेकर के आएंगे। उसको थोड़ी देर आपने पहनना है, पहन करके घर के अंदर ही घूमना है। उसके बाद में सैटरडे को आपने शनि मंदिर जाना है और वहाँ पर जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी एज कम से कम 40-45 के करीब की एज हो, तो वो जो चप्पल आपने पहनी थी वो चप्पल कोरी लेनी है, पुरानी नहीं लेनी है, वो चप्पल जो है आप उस ज़रूरतमंद इंसान को दे दीजिएगा। और उसी के साथ में अगर आप कुछ दक्षिणा भी दे देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शनि जो ख़राब फल दे रहा था, जो आपको परेशान कर रहा था, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? जितने भी जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जो हमारा स्टाफ है वो हैं, अगर हम उनकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शनि हमेशा हमारे को शुभ फल देगा। और इसी के साथ में अगर हम जूते चप्पलों का भी ध्यान रखते हैं, अच्छा हाँ, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बतानी है। शनिवार वाले दिन आप ये करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। शनिवार वाले दिन खास आपने करना है, जो भी आप जूते चप्पल पहनते हैं डेली की, जो आप चप्पल पहनते हैं, शनिवार वाले दिन उन चप्पलों को खूब अच्छे से साफ़ करिए। समझिए बात को, शनिवार वाले दिन उन जूते चप्पलों को खूब अच्छे से साफ़ करिए। आप देखिए, ये छोटा सा उपाय जो है ना आपकी किस्मत को बदल देगा। ये करके ज़रूर देखिएगा, करने के बाद में आपको क्या रिज़ल्ट मिला है मुझे कमेंट्स में या मेरे को व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा बहुत सारा मिलता रहे। हाँ, व्हाट्सएप
आप मैसेज में कमेंट्स के अंदर ये ज़रूर लिखिए कि आई एम लकी, आई एम डायनेमिक पर्सनैलिटी, आई हैव ए पावर। ये सब लिखने से क्या होता है, वो एनर्जी क्रिएट होगी। और जो जो भी चीज़ें आप लिखेंगे उसके अंदर, जो भी आप कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, आपके कमेंट्स के ऊपर मैं ब्लेस करना शुरू कर दूँगी, मैं अपनी प्रेयर देना शुरू कर दूँगी कि ईश्वर हे परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए और समाज के लिए ज़रूर अच्छा एक काम करिए। आपका एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।